नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के रोजगार समाचार में कई इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीव विज्ञान शिक्षक भर्ती भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट वैकेंसी पीसीएस जे के साक्षात्कार टीजीटी पीजीटी वेटिंग आदि से संबंधित है। तो सभी खबरों को विस्तार में सुनने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको इस तरह की अपडेट समय पर मिलती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय पोस्टल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है डाक विभाग में, इसको जीडीएस के नाम से जाना जाता है। जीडीएस शाखा पोस्ट मास्टर वाली को बीपीएम बोला जाता है और सहायक पोस्ट मास्टर को एबीपीएम बोला जाता है, डाक सेवक होते हैं। इस पे जो भर्ती आई 30,041 पदों के लिए भर्ती आई है, ऑनलाइन आवेदन करना है और इसमें जो है विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। अनिवार्य योग्यता क्या है, 10 पास केवल 10th पास अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु 40 वर्ष तक के उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। चयन का तरीका क्या है, 10 क्लास के अंकों के आधार पर चयन होगा। 10th क्लास में जो आपकी मेरिट आई है, जितने अंक आपने 10th क्लास में पास किए हैं, तो जो भी अप्लाई किए रहेंगे तो जिनके अंक 10th क्लास में ज़्यादा होंगे उसी के बेस पर मेरिट बनाई जाएगी। विभाग के द्वारा कोई भी भर्ती संबंधी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। वेतन कितना आपको मिलना है, शहरी क्षेत्रों में वेतन जो मिलेगा वो 12,000 से लेके 29,380 और ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 से लेके 24,470। एक्चुअली ये वैकेंसी जो है गवर्नमेंट अब वैकेंसी इसको नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसमें एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको एक पोस्ट ऑफिस मिल जाती है, तो इसमें आपको निकाला नहीं जाता है। और गाँव में बहुत सारे इस तरह की पोस्ट ऑफिस, शहरों में बहुत सारे इस तरह की पोस्ट ऑफिस है जिस पे लोग सालों से काम कर रहे हैं और ये सैलरी जो इनिशियल सैलरी है इसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है। टीजीटी पीजीटी 2016 व 21 के सभी रिक्त पदों को भरे जाएं, इसके लिए जो है एक आंदोलन शुरू किया गया है और जिसमें जो है एक एप्लीकेशन दी गई है, तो आइए डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती 2016 और 21 का हाल ही में जो अभी वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी और उसका जो है काउंसलिंग कराई गई है, उसमें भी कई पद खाली रह गए हैं। तो इसमें जो है इन पदों पर भी नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की अगुवाई में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपर शिक्षा निदेशक एडी माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी से मिला, उन्हें मांगों के संबंधित ज्ञापन सौंपा। मोर्चा अध्यक्ष ने अपर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपने के साथ यह भी बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट का आदेश है कि विज्ञापन वर्ष 2016 और 2021 के सभी रिक्त पदों को भरा जाए। उनके अनुसार अपर शिक्षा निदेशक ने बताया कि निदेशालय सभी रिक्त पदों के संबंध में जानकारी संबंधित सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से मंगाने का कार्य कर रहा है। रिक्त पदों की जानकारी मिलने के साथ ही इस संबंध में शिक्षा निदेशक से वार्ता की जाएगी। अनुमति मिलने पर अवशेष सूची के अभ्यर्थियों की दूसरी काउंसलिंग कराकर पदों को भरा जाएगा। तो एक हिसाब से यहाँ पे जो सेकंड काउंसलिंग की बात चल रही थी वो सेकंड काउंसलिंग कराकर सभी रिक्त पदों को भरने की के लिए आश्वासन मिल चुका है। अब आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि जीव विज्ञान 2011 के छात्रों को अब तक कोई भी मतलब भला नहीं हुआ है इनका और ये अभी तक अटके हुए हैं। शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2016 एवं 2021 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती की अवशेष सूची के सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करा दिए गए, लेकिन वर्ष 2011 जीव विज्ञान के अभ्यर्थी 12 वर्ष से अटके हुए हैं। इस विषय के अभ्यर्थियों की परीक्षा आवेदन लेने के 5 वर्ष बाद 17 जून 2016 को कराई गई, परीक्षा के 6 वर्ष बाद 8 जनवरी 2023 को परिणाम घोषित किया गया। जब हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया लेकिन साक्षात्कार न होने से अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा खत्म नहीं हो रही है। तो इनके साक्षात्कार और इसके बाद फिर इनकी ज्वाइनिंग जो है अभी भी अधर में अटकी हुई है। सदस्य नहीं है तो इंटरव्यू कैसे होगा, आप सबको मालूम है कि जो है टीजीटी और पीजीटी की भर्ती करने वाले बोर्ड चयन बोर्ड को अब लगभग भंग ही कर दिया गया है क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आ गया है। तो जो नया शिक्षा चयन बोर्ड आएगा, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जैसे ही उसका निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद ही इनके इंटरव्यू की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
क्योंकि जब इनके इंटरव्यू का नंबर आया तब तक जो है चयन बोर्ड जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया था, क्योंकि जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा था वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे थे, नए सदस्य उसमें जोड़े नहीं जा रहे थे। और TGT PGT की जो 22 वाली 21 वाली भर्ती थी उसका एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहा था। तो अब जो है नए बोर्ड के बनने के बाद जो है इनकी परीक्षा कराई जाएगी और 2011 का इंटरव्यू कराया जाएगा। दोस्तों, अब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर दबाव बढ़ रहा है और ये विज्ञापन अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकालने के लिए जल्दी प्रयास करेगा। उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भर्ती को लेकर दूर हुआ असमंजस। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा, यह बात तो पहले भी पता थी, लेकिन कुछ छात्र बहुत ही कंफ्यूज थे। वो बोलते थे कि नहीं, नया चयन आयोग आएगा तभी यह भर्ती होगी। भर्ती के इस बयान के बाद आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ गया है। भर्ती के लिए प्रतियोगियों के अलग अलग संगठन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले LT ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6000 पदों का अधियाचन दिया जा चुका है। आयोग को GIC प्रवक्ता के रिक्त पदों का अधियाचन भी मिल चुका है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की जब कवायद शुरू हुई थी तब राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति थी। यह स्पष्ट नहीं था कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही पूर्व की भांति भर्ती कराएगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को इस भर्ती की जिम्मेदारी मिलेगी। आयोग ने लेकिन अभी स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही राजकीय विद्यालयों में भर्ती होगी, चाहे वो प्रवक्ता की हो या फिर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो। तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो पिछला विज्ञापन आया था 2018 में विज्ञापन आया था, 2023 आ गया है और 5 साल हो गए हैं। 2018 के विज्ञापन में 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, उसकी भी अभी वेटिंग लिस्ट जारी की गई है और उस वेटिंग लिस्ट से बहुत सारे लोगों को नियुक्ति मिली है। तो वहाँ पे जो पद खाली थे उसकी नियुक्ति तो हो गई, लेकिन अब नई भर्ती की कवायद शुरू करने जा रही है। तो देखिए, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जो होती है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा और इसमें जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आजकल भर्ती कर रहा है वो 3 से 4 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देता है परीक्षा के लिए। तो आपके पास इतना ही समय है, आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो LT ग्रेड की तैयारी 3 से 4 महीने का टारगेट लेके कंप्लीट कीजिए और इस भर्ती में जो है चयन लेना LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में TGT PGT से आसान है। LT ग्रेड में शिक्षक बनना LT ग्रेड में TGT PGT की तुलना में आसान है। क्यों आसान है इसका आप डिटेल वीडियो CP स्मार्ट क्लासेस पे देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई हैं कि आखिर LT ग्रेड में शिक्षक बनना आसान क्यों है। और आगे बात करते हैं PCSJ के साक्षात्कार की। तो PCSJ का साक्षात्कार भी इस महीने के 3rd सप्ताह तक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से PCSJ भर्ती के लिए संभावित साक्षात्कार की सूची जारी की गई है। साक्षात्कार की तिथि भी 2 से 3 दिन में घोषित हो सकती है। ऐसे में अंतिम चयन परिणाम सितंबर में आने की उम्मीद है। UPSC ने बुधवार को ही PCSJ मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। PCSJ के 303 पदों की भर्ती के लिए 23, 24, 25 मई को प्रयागराज एवं लखनऊ के केंद्रों पर मुख्य परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा में 3019 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 959 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नई अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें सभी तरह की PDF शेयर की जाती हैं और छोटी मोटी जो अपडेट होती है जिसमें वीडियो नहीं बन पाता है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जाता है। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।